और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जो कि 12th क्लास बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन से बच्चों। अब इसमें देखो टेपिटम क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना। लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है, जो लघु बीजाणु धानी होती है जिसमें किसका निर्माण होता है, पराग कणों का, ठीक है। तो लघु बीजाणु धानी की जो सबसे अंदर की परत होती है वो क्या कहलाती है, टेपिटम। और ये जो टेपिटम होता है इसका कार्य क्या होता है, जो लघु बीजाणु होते हैं या जो पराग कण होते हैं, पराग कणों को क्या करता है, ये पोषण देता है ताकि वो अच्छे से आगे विकसित हो सके। दूसरा क्वेश्चन है, चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है, चमगादड़ द्वारा जो परागण की क्रिया होती है फूलों में उसको बोलते हैं चेरेप्टेरोफिली। और ये किन पौधों में होता है चमगादड़ द्वारा परागण, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये कचनार और आपने सुना होगा कदम का पेड़, ठीक है, तो उसमें इस तरह का परागण होता है, ठीक है। फिर मादा युग्मकोद भित्त किसे कहते हैं, मतलब इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं मादा युग्मकोद भित्त क्या होता है। तो बच्चों अगर आपने बीजार्ड पढ़ा होगा तो बीजार्ड के सबसे अंदर वाला भाग जहाँ पे क्या पाई जाती है, अंडकोशिका, भ्रूणकेंद्रक और प्रतिकोम कोशिकाएं, यही थैलीनुमा संरचना जो बीजार्ड काय के अंदर स्थित होती है वही आपका क्या कहलाता है, मादा युग्मकोद भित्त, या इसी को हम बोलते हैं फीमेल गेमिटोफाइट, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीजें, ये सारे डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो आपके एग्जाम में या तो वन लाइनर में आएंगे या तो इसको विस्तार से भी वो पूछ सकता है, ठीक है। तो ये टॉपिक आप क्लियर कर लेना।